अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल स्पेसिस का 23rd लेक्चर का फर्स्ट पार्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। मे बी ये 23rd का फर्स्ट पार्ट हो या 23rd ही हो, देखेंगे कितनी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लेंथी होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, टोपोलॉजिकल स्पेसिस, और उसमें हमने टोपोलॉजिकल टोपोलॉजी की डेफिनेशन बताई। आई अगेन रिपीटेड क्योंकि ये नया टॉपिक है। टोपोलॉजिकल स्पेस भी ऐसे ही होती है जैसे हमारे पास हमने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा, एक सेट था, उस पर फंक्शन था जो कि आर में गिरता था और तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता था। यहाँ पे फंक्शन नहीं है, एक्स है और फंक्शन की जगह है एक्स के सबसेट्स की एक क्लास, और वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है। नॉर्मली तो टू कहते हैं लेकिन अगर तफसील से बताया जाए तो तीन। नंबर वन, उसमें फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा एंड फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टा। और अगर ये तीन कंडीशन मीट कर जाए, क्लास जिसका नाम हम टा रखते हैं, तो हम टा को कहते हैं कि टोपोलॉजी है एक्स में, और पेयर एक्स टा को यानी सेट विद इट्स टोपोलॉजी, इस पेयर को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। इस तरह एक्स के एलिमेंट्स को हम पॉइंट्स बोलेंगे, इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स को हम ग्राउंड सेट बोलते हैं, और बुक में ऑनवर्ड हम टोपोलॉजिकल स्पेस की बजाय एक्स ही यूज करते हैं। जब हम कहते हैं स्पेस एक्स यानी सेट की बजाय स्पेस एक्स, तो इसका मतलब होता है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ऑब्वियसली कोई ना कोई साथ टा होगा। फिर हमने एग्जांपल्स में बताया कि हर मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, उसको भी मैं आर्गुमेंट को रिपीट करता हूँ। क्योंकि हमने कहा कि अगर मैट्रिक्स सेट में मैट्रिक्स स्पेस में हम क्योंकि ओपन सेट्स निकालना जानते हैं, तो एक एक्स की मैट्रिक्स स्पेस है, इसके तमाम ओपन सेट्स इकट्ठे कर लिए जाए और उसको एक कलेक्शन के तौर पर जमा कर लिया जाए जिसका नाम हम टा रखते हैं। तो देख क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ओपन होता है, इसका मतलब है एक प्रॉपर्टी जो टा की है वो पूरी हो जाएगी टोपोलॉजी की। इस तरह हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स स्पेस के थ्योरम में कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, इनफिनिट यूनियन ऑफ ओपन सेट या आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन होता है। इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी टोपोलॉजी की ये वाला टा जो जो हमने कैसे लिया है, मैट्रिक्स स्पेस के तमाम ओपन सेट्स को इकट्ठा करके लिया है, वो पूरी हो जाती है। और थर्ड, हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में फाइव भी ओपन होता है, एक्स भी ओपन होता है, इसका मतलब टा में फाइव भी होगा एक्स भी होगा। तो इस तरह मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी में अगर उसके तमाम ओपन सेट इकट्ठे कर लिए जाए और उनको एक कलेक्शन में रख लिया जाए, इसका नाम हम टा रखें, तो ये टा टोपोलॉजी की अब जो हमने तीन कंडीशन बताई हैं तीनों को मीट करता है। इसका मतलब है हर मैट्रिक्स स्पेस से एक टोपोलॉजी बनाई जा सकती है। सो एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ये एक हमारा रिमार्क था। और एक और पॉइंट जो मैंने एलिब्रेट किया था कि जब हम कहते हैं कि एक ये कलेक्शन है तो इसकी तमाम फाइनाइट सब कलेक्शन के यूनियन लें, एक फाइनाइट सब कलेक्शन लें दूसरी लें, या इसकी तमाम आर्बिटेरी यानी कि इन्फिनिट या फाइनाइट तमाम सब कलेक्शन के यूनियन लें, तो जब भी किसी कलेक्शन की तमाम सब कलेक्शन निकाली जाती हैं, वेदर फाइनाइट निकाली जाए या सारी फाइनर इनफाइनाइट सारी कलेक्शन की सब कलेक्शन निकाली जाए, तो एक सेट के सबसेट्स निकालने की तरह, जैसे सबसेट निकालते हैं तो फाइव एक सबसेट होता है, इस तरह कलेक्शन की जब सब कलेक्शन निकालते हैं तो एम्प्टी सब कलेक्शन भी एक एम्प्टी कलेक्शन भी एक उसकी सब कलेक्शन होती है। तो जिसको ऐसे दिखाया नहीं जा सकता लेकिन अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो इसका प्रूफ भी यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन हमने इस आर्गुमेंट को साथ रखना है, जब हम कहते हैं इस कलेक्शन की तमाम सब कलेक्शन के यूनियन लें या इसकी कलेक्शन की तमाम सब कलेक्शन के इंटरसेक्शन लें, तो उसमें फाइव कलेक्शन का यूनियन और फाइव कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी शामिल होगा, और फाइव कलेक्शन का यूनियन हमारे पास जो है वो फाइव के इक्वल होता है, फाइव सेट के इक्वल होता है, एम्प्टी कलेक्शन का हमारे पास सॉरी एम्प्टी कलेक्शन का यूनियन फाइव सेट के इक्वल होता है, और एम्प्टी सब कलेक्शन का हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो एक्स के इक्वल होता है। तो ये एक रिमार्क आपने जहन में रखना है, या कहीं यूनियन इस तरह से लेने पड़े। इसी तरह हमने ये बताया कि अगर एक्स का एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट को सेपरेटली चेक नहीं किया जाता, बल्कि अगर आपको कोई पूछे कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में फलां सेट ओपन है या नहीं है, तो आप सिर्फ ये देखते हैं कि जो जिस सब एक्स के सबसेट के बारे में पूछा जा रहा है कोई ओपन है या नहीं, वो क्या वो टा का एलिमेंट है, अगर वो टा का एलिमेंट होगा तो ओपन होगा, अगर टा का एलिमेंट नहीं होगा तो ओपन नहीं होगा। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि इसके एक एक्स के टा टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके तमाम ओपन सेट्स निकालें, तो जितने टा के एलिमेंट होंगे वो उसके
ओपन सेट्स होंगे और जितने टा के एलिमेंट्स नहीं होंगे, एक्स के ऐसे सबसेट जो टा के एलिमेंट्स नहीं होंगे वो ओपन सेट्स नहीं होंगे। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी की शर्त है कि फाई और एक्स उसमें होना चाहिए, इसका मतलब फाई और एक्स हमेशा टोपोलॉजी में होंगे, तो फाई और एक्स हमेशा टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन होंगे। बाकी कुछ सेट ओपन हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस में क्योंकि फाई और एक्स का होना जरूरी है और टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स का डिसीजन ये है कि जो टा के एलिमेंट्स हैं वो ओपन सेट्स हैं और जहाँ टा के एलिमेंट्स नहीं है वो ओपन सेट्स नहीं है, तो इसका मतलब फाई और एक्स तो हमेशा ओपन होंगे और ओपन सेट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स आज के लेक्चर में डिस्कस करनी थी, तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। जैसे देखें, एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नंबर वन, अगर फाई अगर टा जो है हमारे पास एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स से सिर्फ हम दो सबसेट्स की कनेक्शन ले लें फाई और एक्स, देन एक्स इज कॉल्ड अ स्पेस कॉल्ड इनडिस्क्रीट और ट्रिवियल स्पेस। यानी अगर हमारे पास टा में सिर्फ दो एलिमेंट्स हो फाई और एक्स, तो ये भी हमारे पास टोपोलॉजी की तमाम कंडीशंस को पूरा करेंगे, ऐसी टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं और इस स्पेस को डिस्क्रीट स्पेस बोला जाता है या ट्रिवियल स्पेस बोला जाता है। इसी तरह If ta is a class of all subsets of x, अगर ta में x के तमाम subsets शामिल हों, यानी कि power set पूरे का पूरा ta के अंदर रख दिया जाए power set of x, तो ये भी topology conditions को meet करता है। इस तरह की x पे जो topology होती है उसको हम discrete topology बोलते हैं, इसको indiscrete space और indiscrete topology बोलते हैं और इसको discrete topology बोलते हैं। और x स्टार्ट जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगी, यहाँ पे हम देखें रिपीटली टा नहीं लिखते हैं साथ, जब लिखे x इज अ स्पेस का मतलब x टा इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, तो ऐसी स्पेस को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस या सिंपली डिस्क्रीट स्पेस बोलते हैं। इस तरह इफ टा इज द क्लास ऑफ फाई एंड ऑल, यानी टा में क्या शामिल हो x x नॉन एम्प्टी सेट के अगेंस्ट, ऑल दूस सबसेट्स ऑफ x हूज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, x के वो वाले सबसेट शामिल हो जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, सेट का फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, एक्स के वो वाले सबसेट टा में शामिल करने हैं जिनका खुद फाइनाइट हो या ना हो, उनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। अगर उनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट, यानी एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक सेट इस तरह का हो, तो सेट किस तरह का हो वो नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट एक्स के सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो वो टा का एलिमेंट है। ऐसे तमाम एक्स के सबसेट की रिफ्लेक्शन विद फाई, ये भी एक टोपोलॉजी एक्स पे बनाते हैं और इस तरह की टोपोलॉजी को हम को फाइनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं। और एक्स स्टार जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनती है इस टोपोलॉजी से, इसको हम को फाइनाइट स्पेस बोलते हैं। इसी के पैरेलल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, को काउंटेबल स्पेस है जिसमें फाई और दो सबसेट्स ऑफ एक्स शामिल हैं उस कॉम्प्लीमेंट्स आर काउंटेबल, तो ये इस तरह की कलेक्शन भी टोपोलॉजी बनाती है, तो इसको हम को काउंटेबल टोपोलॉजी और स्पेस को काउंटेबल स्पेस बोलते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल टू है हमारे पास और एग्जाम्पल थ्री है। एग्जाम्पल टू में भी ये कुछ सेट्स लिए गए और टोपोलॉजी बताई जा रही है कि इस तरह से ओज जो है, पहले ओज में क्या शामिल हो, एन पे टोपोलॉजी बताई जा रही है, ओ वन, यहाँ एन की जगह वन रखना है, वन वन प्लस वन पर एन आ जाएगा पूरा। दूसरे में ओ टू क्या हो हमारे पास, टू, यहाँ पे टू थ्री फोर ये इसका सबसेट हो, तो थ्री क्या हो, थ्री यहाँ पे पुट करेंगे थ्री फोर फाइव, ये भी एन का सबसेट है। तो इस तरह के सबसेट्स की अगर कलेक्शन ली जाए नहीं, तो कहना ये कि ये भी टोपोलॉजी बनाती है और इसी इसको भी हम टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, टेक्स में ए बी सी है और ये दो तीन टोपोलॉजी लिखी हो, टा वन फाइव ए एक्स एक्स के सबसेट्स की एक कलेक्शन है, फाइव बी एक्स ए बी एक्स के सबसेट्स की एक कलेक्शन है। इसी तरह से टा वन यूनियन टा टू अगर हम करें, तो ये हमारे पास इनका यूनियन वैसे ही लेते हैं जैसे आम सेट्स का लेते हैं, जो चीज़ दो सेट्स में एक दफ़ा आती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, जैसे फाइव फाइव इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो एक वंस टाइम लिखेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगा, बाकी सेट के तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं दोनों के, टा वन यूनियन टा टू में टा वन टू टू के दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे, लेकिन जो रिपीटेडली आ रहा होगा उसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये कलेक्शन बन गए। तो ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, कैसे है हम अगले लेक्चर इसके पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये टोपोलॉजी नहीं है, ये टोपोलॉजी क्यों नहीं है हम देखते हैं कि अगर टा वन और टा टू का यूनियन लिया जाए, ये शायद यहाँ मिस्टेक है, इज नॉट अ टोपोलॉजी इन एक्स, वेयर एज अच्छा ये और चीज बताई जा रही है, यूनियन लिया जाए तो हमारे पास ए बी सेट बनेगा, यानी इसकी एक हर सब कलेक्शन का आर्बिट्री यूनियन
of subclasses of given collection is a member of that collection. ये टाइप की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी अगर सब कलेक्शन लें जिसमें ए शामिल हो और बी शामिल हो और इसका यूनियन लें तो ये ए बी सेट बनता है, और ए बी सेट जो है वो हमारे पास इनमें नहीं आ रहा। इसका मतलब है दो एक ऐसी सब कलेक्शन टावन यानी टाटू कलेक्शन की अवेलेबल है जिसका यूनियन लें तो वो टावन यानी यूनियन टाटू का एलिमेंट नहीं बनता। इसका मतलब है टावन यूनियन टाटू एक्सपेक्ट टोपोलॉजी नहीं है। तो लेकिन अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो वो टोपोलॉजी होती है। कैसे होती है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में। तो ये हमारे पास इससे इसके बताया जा रहा है कि अगर कोई दो टोपोलॉजीज लें इसका अगर इंटरसेक्शन हम ले लें फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई और एक्स, यानी टावन इंटरसेक्शन टाटू क्या आएगा, फाई और एक्स। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जिस कलेक्शन में फाई और एक्स सिर्फ फाई एक्स शामिल होते हैं वो लाजमी टोपोलॉजी होती है, यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाती है। इसका मतलब है किसी भी गिवन टू टोपोलॉजीज का यूनियन जरूरी नहीं है कि वो टोपोलॉजी बनाए, लेकिन अगर एक्स पे दो टोपोलॉजीज हों तो इनका इंटरसेक्शन जरूर टोपोलॉजी बनाता है। इसके लिए पहले तो एक रिमार्क है जो हम इसके सेकंड पार्ट में भी रिपीट करेंगे, हमेशा दो टोपोलॉजीज का या फाइनाइट टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन जो है वो टोपोलॉजी बनाता है और यूनियन टोपोलॉजी नहीं बनाता। और एग्जाम्पल के जरिए हमने शो किया कि इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बना रहा है और यूनियन टोपोलॉजी नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा इसको भी डिस्कस किया। और एक और जो रिमार्क इससे भी पहले आना चाहिए था वो ये था कि जैसे हमने देखा कि एक एक्स पे ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, और एक एक्स पे ये भी टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब है एक सेट पे एक से ज्यादा टोपोलॉजी डिफाइन की जा सकती है। सो वन कैन डिफाइन मोर देन वन टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स। वो अगर एक्स पे टावन भी टोपोलॉजी, एक्स टावन एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, टाटू दूसरी टोपोलॉजी है तो एक्स टू एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। तो जैसे एक से एक सेट पे एक से ज्यादा मेट्रिक डिफाइन की जा सकती है, इस तरह एक से ज्यादा एक सेट पे एक से ज्यादा टोपोलॉजीज डिफाइन की जा सकती है। जब एक सेट पे एक से ज्यादा टोपोलॉजीज डिफाइन की जा सकती है तो आगे ये क्वेश्चन आता है कि क्या इन टोपोलॉजीज का, फाइनाइट टोपोलॉजीज का या इन्फिनिट टोपोलॉजीज का, इनमें से कोई क्वेश्चन भी जहन में आता है, क्या उनका यूनियन टोपोलॉजी होगा, क्या उनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होगा। हमने इसका इसमें आंसर किया है, इसकी काउंटर एग्जाम्पल दी है कि हमारे पास यूनियन जो है वो टोपोलॉजी नहीं बनाता, और इंटरसेक्शन कैसे टोपोलॉजी बनाता है इसको प्रूव किया जा सकता है, ये हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रूव करके बताएंगे। तो जो चीज प्रूव नहीं होती उसकी काउंटर एग्जाम्पल अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट टोपोलॉजी इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, बट इसका प्रूफ होना चाहिए, हम प्रूफ देंगे अगले किसी लेक्चर में। बट द यूनियन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज मे और मे नॉट बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एग्जाम्पल, this is the x, this is the one topology on x, this is another topology on x, and its union is not a topology on x. So ye tha student is 20 I hope so 23rd lecture ka first part, second part mein hum thodi si aur inhi pages ko maine khud hand written se bhi kuch likha hai, wahan se inki detail discuss karenge. Okay, take care, Allah Hafiz.